करवा चौथ का त्योहार महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा निर्जल व्रत। बिजनौर के कलेक्ट्रेट में ही मनाया गया करवा चौथ। धरने पर बैठे किसानों की पत्नियों ने कलेक्ट्रेट में चांद और पति को देखकर खोला व्रत। बिजनौर की शुगर मिले जल्द करेगी किसानों के 86 करोड़ का बकाया गन्ना भुगतान। नवंबर से शुरू होगी गन्ने की खरीद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अफजलगढ़ ब्लॉक में कराया गया 30 जोड़ों का विवाह। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे बड़ापुर विधायक कुंवर सुशांत सिंह। चांदपुर में आपसी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया। वाल्मीकि जयंती के मौके पर चांदपुर में धूमधाम से निकालेगी भव्य शोभा यात्रा। नहडौर में 12 साल के मासूम की पत्थर से पीट पीट कर हत्या। खेतापुर के जंगल में पड़ा मिला बच्चे का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था मासूम। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिव सैनिकों ने तैयार की रूपरेखा। चांदपुर में शिव सैनिकों ने बैठक कर बनाई रणनीति। राज्य स्तरीय कृषि कुंभ प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए सिहारा ब्लॉक से भारी संख्या में किसान रवाना। पूर्व मंत्री महावीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। नजीबाबाद में लॉयंस क्लब के तत्वाधान में आयोजित समान समारोह में वृद्ध महिलाओं को किया गया सम्मानित। नजीबाबाद में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में किया गया कलर बेल्ट टेस्ट का आयोजन। नजीबाबाद में लगाया गया दीपावली मेला। उप जिलाधिकारी पंकज वर्मा की पत्नी सुभी वर्मा ने किया दीपावली मेले का उद्घाटन। नहडौर में धूमधाम से मनाई गई महाराजा अजमेर की जयंती। नगर में निकाले गए भव्य शोभा यात्रा। नूरपुर में किया गया ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने वाले आलिशान मुशायरे में नामचीन शायरों ने की शिरकत। संभल के बबराला में पालिका प्रशासन ने दुकानों पर की छापेमारी। छापेमारी के दौरान दुकानों से भारी मात्रा में पॉलिथीन बरामद। संभल पुलिस ने 6 पशु तस्करों को पकड़ा। तस्करों के पास से 17 पशु भी बरामद किए। संभल के सराय परेड में विश्व हिंदू परिषद ने रामलीला कमेटी के सदस्यों को किया सम्मानित। नहडौर में भागीरथ सेवा समिति के तत्वाधान में किया गया मासिक बैठक का आयोजन।